गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ है बच्चों 21 और प्रकरण है मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मुहावरे बात को प्रभावशाली तथा भाषा में सुंदरता लाने की दृष्टि से मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग किसलिए किया जाता है? भाषा को स्पष्ट, सुंदर, सौंदर्यपूर्ण ढंग से बनाने के लिए भाषा इसका मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे जो होते हैं बच्चों वे वाक्यांश होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब आप मेरे से ध्यान से देखिए, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे आपको मुहावरा लिख कर दिया हुआ है, बहती गंगा में हाथ धोना, मीन्स होता है बच्चों अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। और इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना सभी को अच्छा लगता है। दूसरा देखिए बच्चों, अंग अंग ढीला हो जाना मतलब बहुत थक जाना। क्या होता है बच्चों? थक जाना। जैसे कि आप इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि आज काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि काम करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ। दूसरा है बच्चों लोकोक्तियां। लोकोक्तियां क्या होंगी? लोगों द्वारा कही भी उक्तियां ही क्या कहलाती है? लोकोक्तियां कहलाती है। जैसे कि वो भूतकाल में जो बातें कही गई हों वही एक क्या बन जाती है? सबके लिए एक उदाहरण बन जाती है और उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ है जो पुरानी बातें जो कही गई हैं वो लोकोक्तियां कहलाती है। जो मतलब कहा जाता है कि जो इस अर्थ को, जो ये वाला लोकोक्ति है इनको पहले समय में कहा गया है और वो लोगों के लिए क्या बन जाती है? सीख बन जाती है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपका सबसे पहले है आपका अर्धजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम गुण वाला व्यक्ति बहुत घमंड करता है। कम गुण वाला व्यक्ति बहुत घमंड करता है। कम गुण वाला व्यक्ति बहुत घमंड करता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि मोहन थोड़ा पढ़ लिख क्या गया कि बहुत शहर में जा करके क्या करता है? अपने अधकचरे गान का बहुत बखान करता है। तो इसे ही कहते हैं कि अधजल गगरी छल कर जाए, यानी कि ज्ञान कम होना लेकिन उसका बखान अधिक करना। दूसरा है बच्चों एक पंथ दो काज। क्या है बच्चों? एक पंथ और दो काज, यानी कि एक काम से अनेक लाभ। एक काम से अनेक लाभ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कि मधुर बोलने से हमें स्वयं तो शांति मिलती है लेकिन दूसरों का मन भी बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब है एक पंथ दो काज। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए और उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और लोकोक्तियां का अर्थ है जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पारंपरिक कथन जो कहलाते हैं वे लोकोक्तियां कहलाते हैं। तो बच्चों इसके आगे हम आपके इसके पीडीएफ भेजेंगे, आप ध्यान से इस वीडियो को भी देखिएगा और पीडीएफ भी कीजिएगा। थैंक यू।